ओवैसी की पार्टी एएमआईएम ने निकाय चुनाव में जीत का स्वाद चखने के बाद अब लोकसभा की तैयारी में जुट गए हैं। पार्टी लोकसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ उतरने जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में गठबंधन करेंगे, लेकिन किस पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे, इस सस्पेंस बरकरार है। अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश सरकार और एसपी बीएसपी को घेरने का काम करेंगे। यूपी में एसपी बीएसपी और कांग्रेस से गठबंधन नहीं होगा, ये तय है। इसके पीछे की वजह है, एसपी ओवैसी को बीजेपी का एजेंट तक कह चुकी है। संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं एएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आने वाले लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में एंट्री करने से चुनाव और भी दिलचस्प हो जाएगा। बहुत ही जल्द असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में रैली करके प्रदेश की जनता को जोड़ने का काम करेंगे। तीन तलाक, विकास, धर्म, जातिवाद, शिक्षा, परिवारवाद, भाईवाद, किसानों की समस्या जैसे मुद्दे पर पार्टी जनता के बीच जाएगी। एएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली विभिन्न जनपदों में जाकर संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं। एसपी सरकार ने नहीं दी थी रैली करने की अनुमति। असदुद्दीन ओवैसी जब भी कानपुर आने का प्लान बनाया, पूर्व की एसपी सरकार ने उन्हें रैली करने की अनुमति नहीं दी थी। इसका जबरदस्त तरीके से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने विरोध किया था और सरकार के इशारे पर रैली की अनुमति नहीं मिलने का आरोप लगाया था। 2017 में हुए निकाय चुनाव में एएमआईएम ने 110 वार्डों में अपने प्रत्याशी उतारे थे। 2017 में हुए निकाय चुनाव में एएमआईएम ने 110 वार्डों से अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे थे, जिसमें से वार्ड 3 में शरद कुमार सोनकर ने जीत हासिल की थी। शरद सोनकर को असदुद्दीन ओवैसी ने फोन करके बधाई दी थी। इसके बाद हैदराबाद में बुलाकर उन्हें सम्मानित भी किया था। इस जीत ने पार्टी में नई जोश भरने का काम किया था। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने कहा कि वार्ड स्तर पर हमारी तरफ से तैयारी की जा रही है। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर मुस्लिम समुदाय के साथ ही साथ हिंदू और सभी धर्म जाति के लोगों को जोड़ रहे हैं। जिला अध्यक्ष मोहम्मद नासिर के मुताबिक हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर जीत हासिल करेगी। पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। चुनाव से पहले वो कार्यकर्ता सम्मेलन भी करेंगे और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। हमारी पार्टी गठबंधन भी करेगी, लेकिन यह गठबंधन किसके साथ होगा, ये पार्टी प्रमुख तय करेंगे। पार्टी प्रमुख जैसा कि आदेश करेंगे, सभी कार्यकर्ता उसी दिशा निर्देश पर चलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।